हेलो क्लास फिफ्थ। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेसन 8 स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम की बात की थी, टाइप्स ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन में बात की हमने, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन की बात की, रिब केज और ये सब। ओके, इसके बाद हम हिंड लिम्स और फोर लिम्स भी कर चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद जॉइंट्स। तो देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम मुड़ पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, टर्न कर पाते हैं। ओके, सो इट इज ऑन पेज नंबर 74 ऑफ योर साइंस बुक। लुक फ्रॉम हियर, वी गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। इन आवर डेली लाइव्स वी बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। व्हाट हेल्प अस टू कैरी आउट दीज एक्शन आर जॉइंट्स। तो आप डेली लाइफ में खेलते हैं, कूदते हैं, उसके लिए आप मुड़ते हैं, झुकते हैं, टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बेंड होते हैं। किस वजह से हो पाते हैं आप ऐसे? आप हो पाते हैं आपके बॉडी में जॉइंट्स की वजह से। अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टूगेदर। तो जॉइंट क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर दो बोन आपस में मिलती हैं, जहाँ ये दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट। बोन्स कैन बेंड एट द जॉइंट्स विच कॉज मूवमेंट इन आर बॉडी। तो देखो, अगर हम बात करें, ये हमारी एक बोन है। देखो, इस बोन में अगर कोई जॉइंट नहीं है तो आप इसको नहीं मोड़ सकते, ये टूट जाएगी। अगर आपने यहाँ से इसको कोशिश की, ये टूट जाएगी, यहाँ से बोन ब्रेक हो जाएगी। पर अगर दो बोन के बीच में जॉइंट है तो यहाँ से आप, इस जॉइंट से आप अपनी जो बॉडी पार्ट है उसको मूव कर सकते हो, उसको बेंड कर सकते हो। जैसे मेरी ये आर्म है, देखिए ये आर्म है, ये आर्म को मैं एल्बो से कर सकती हूँ। देखिए, एल्बो से बेंड कर सकती हूँ इस आर्म को, ऐसे करके कर सकती हूँ। पर क्या मैं इसको, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, देखिए ज़रा, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो क्या ये मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। तो जॉइंट पर से ही हमारी बॉडी बेंड हो सकती है। द बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो हमारे बोन्स हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा इलास्टिक होते हैं, यानी खिंचाव होता है उनमें। तभी तो देखो, ये सीधी हो गई और अब ये ऐसे मुड़ गई। लिगामेंट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ बोन्स फ्रॉम वियर एंड टीयर। इसके अलावा ये लिगामेंट्स को, लिगामेंट्स हैं जो ये बोन्स को भी खराब होने से बचाती हैं। ऑल जॉइंट्स कंटेन अ फ्लूइड दैट एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट एंड अलाउज द बोन्स टू मूव स्मूथली। जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड होता है जो कि बोन्स को आसानी से मूव करने में मदद करते हैं। तो देखिए ज़रा, दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, दो टाइप्स के जॉइंट हो गए, वन इज मूवेबल एंड द अदर वन इज इमूवेबल। द जॉइंट्स वेयर द बोन्स कैन मूव आर कॉल्ड मूवेबल। जैसे आपके हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, यहाँ पर सब मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स होती हैं वो मूव कर पाती हैं। द जॉइंट्स वेयर द बोन्स कैन नॉट मूव आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइंट्स ऑफ द स्कल। देखो, आपका जो ये पूरा सर है, ये आप गर्दन से तो मोड़ सकते हो, पर क्या ऐसा, अच्छा चलो आप इसको भी थोड़ा सा कर सकते हो, पर क्या आप यहाँ से, देखो जॉइंट्स तो हर जगह पर हैं, जॉइंट्स हैं, पर क्या आप उनको मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे स्कल की बोन्स हैं, बोन्स जिस तरीके से जॉइंट है, हम उनको मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। देखिए, फर्स्ट इज हिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ ये जॉइंट्स होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग रीड करते हैं। ओके, हिंग जॉइंट, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ बोन्स। होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर राइटिंग। आपने पेंसिल पकड़ी अपने हाथ में। बेंड योर आर्म एंड टच योर हेड। आपने अपनी आर्म को बेंड किया और अपने सर को टच करने की कोशिश की। कर सकते हैं ना, देखो ये मेरी आर्म है और मैं अपने हेड को टच करने की कोशिश कर रही हूँ। बेंड योर लेग, अपने लेग को बेंड करके देखो। ओपन योर माउथ, मुंह खोल कर देखो।
You can bend your fingers, arms, legs and lower jaw only in one plane. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप कैसे कर सकते हो, आप इस तरीके से मूव कर सकते हो, इस तरीके से मूव कर सकते हो, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही आप इन जॉइंट्स को मूव कर सकते हो. इट इज़ लाइक द जॉइंट ऑफ अ डोर, ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे आपके घर में दरवाज़ा है, जैसे आप ऐसे खोल सकते हो, ऐसे बंद कर सकते हो. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट. नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. टेक अ बॉल, स्विंग योर आर्म एंड थ्रो द बॉल. आपने क्या किया, क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, देखते तो होंगे आप लोग, बॉल आती है, बॉल को इस तरीके से फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं ना, आपकी पूरी आर्म को ऐसे स्विंग करके इस तरीके से. इन हाउ मेनी डायरेक्शंस डिड यू मूव योर आर्म, कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो अपनी आर्म को. द शोल्डर जॉइंट्स अलाउ अस टू मूव आवर आर्म्स इन ऑल डायरेक्शन. देखो हर डायरेक्शन में कर पा रहे हैं ना, देखो हम अपनी आर्म को हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं. This is because of the structure of the shoulder joint. ये होता है जो हमारे यहाँ पर जो joint होता है ना, इसके structure की वजह से हमारे जो ये कंधे की जो बनावट होती है, कंधे का जो joint होता है, ये इस type की होती है कि ये हमारे arm को पूरी तरीके से move करने में मदद करती है. The rounded end of the humerus bone in the upper arm fits into a cup shaped socket in the shoulder. देखो ये कुछ इस type का होता है, ball and socket. देखो ये cup type का structure होता है, देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपका कप टाइप का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपकी बोन हो गई. ये कप टाइप का स्ट्रक्चर में बोन फंसी होती है. ओके, सच जॉइंट्स इन विच अ बॉल शेप्ड एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ अनदर इज कॉल्ड अ सॉकेट जॉइंट. द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर द ओनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन आर बॉडीज. को अंडरलाइन करिएगा, हमारी बॉडी में सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये होते हैं शोल्डर और हिप बोन्स में. पिवोट जॉइंट, दिस जॉइंट इज वेयर द स्कल मीट्स द टॉप वर्टीब्रे. देखिए जरा, पिवोट जॉइंट, देखिए ये कहाँ पर है, देख रहे हैं आप, ये हमारी यहाँ यहाँ होता है जहाँ पर हमारा जो स्कल है, जो हमारी ये जो स्कल है, ये यहाँ पर जो जुड़ा होता है ना वर्टीब्रे से, यहाँ पर. इट अलाउज यू टू बेंड योर हेड अप एंड डाउन एंड साइडवेज. आप कैसे अपने गर्दन को मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन एंड साइडवेज. पीछे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते. अब ग्लाइडिंग जॉइंट, मूव योर रिस्ट. नाउ बेंड एंड पिक अ पेपर फ्रॉम द फ्लोर. In these actions, bones glide past one another. The joints where such actions occur are called gliding joints. Gliding joints are found in the wrist, ankles and between the vertebrae. This allow the back to bend, twist and turn. आप अपनी back को twist कर सकते हो, turn कर सकते हो, ऐसे करके move कर सकते हो. Even आप पैरों के जो पैर हैं आप इस तरीके से चला सकते हैं ना, ये देखिए. देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट, ये हो गया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट. आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा कि कौन सा बॉडी में, कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा जॉइंट होता है. नाउ मसल्स एंड मूवमेंट्स. तो भाई मसल्स हैं ये हमारे होती हैं बोन्स के ऊपर, ये हमारी बोन्स को कवर करती हैं. मसल्स आर सॉफ्ट इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. When we leap, bend or move, it is the result of a muscle action. When a muscle contracts, it pulls a bone that makes the bone move. तो देखो जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये हमारी बोन को मूव करवाने में मदद करती है. When the muscle relaxes, the bone moves back to its original position. देखो ये हमारी मसल्स हैं, ये जो हमारा ये दिख रही है ना आपको स्किन के नीचे, जो स्किन के नीचे जो आपको नज़र आएगी वो हमारी मसल्स हैं. और देखो जब मैंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि प्रेशर डाला तो देखो ये यहाँ पर आ गई, जब मैंने इसको रिलैक्स किया तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पर चली गई. व्हेन द मसल, ईच टाइप ऑफ मसल हैज़ अ डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. द मसल्स दैट आर अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स. Muscles attached to our skeleton are voluntary muscles. Skeletal muscles are responsible for moving our body parts. Our arms, legs, shoulders and neck move when they are pulled by skeletal muscles attached to them. तो voluntary muscles ऐसी muscles जो हमारे control में होती है, यानी इस हाथ को चलाना ये हमारे control में है. Okay?
तो ये हमारी कैसी हो गई, वॉलेंट्री मसल्स, यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. देयर आर अराउंड 650 वॉलेंट्री मसल्स इन आर बॉडी. अब दूसरी होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रीथिंग. क्या आप सांस को कंट्रोल कर सकते हो? अपने आप चलती है सांस, आप अपने आप सांस लेते हो. ब्लड सर्कुलेशन, देखो आपका जो हार्ट है ये कार्डियक मसल से बना हुआ है. जो हमारा हार्ट है, देखो ये जो हमारा हार्ट है ये कार्डियक मसल से बना होता है, और ये मसल्स अपने आप वर्क करती हैं, ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं. देखो हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से करता है, तभी तो पंप करता है. तो ये अपने आप चलती हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम आर एक्शंस कैरिड आउट ऑटोमेटिकली बाय आर बॉडी. इसी तरीके से जब आप खाना खाते हो और आपका खाना पेट तक पहुँचता है, तो वो भी मसल्स के थ्रू ही पहुँचता है. तो ये भी आपका क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. द मसल्स कंट्रोलिंग दीज एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. द मसल फाउंड इन आर हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल. जो हमारे हार्ट में होती हैं मसल्स, हम उनको बोलते हैं कार्डियक मसल. इट कीप्स पंपिंग ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑटोमेटिकली इवन व्हेन वी आर फास्ट एस्लीप. तो जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका दिल काम कर रहा होता है, आप ब्रीथ कर रहे होते हो. तो ये सब इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि आप सो रहे होते हो तो भी ये काम कर रही होती हैं. सो आवर कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर. नाउ टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. आपने देखा ना कि आप मूव कर पा रहे हो, बेंड कर पा रहे हो, खेल कूद पा रहे हो, ये सब बोन्स और मसल्स की हेल्प से. तो आपको क्या करना है, बोन्स गिव अस द शेप, जॉइंट्स मेक आर बॉडी फ्लेक्सिबल. ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. फ्लेक्सिबल का मतलब आप कहीं भी चाहो वहाँ मुड़ सकते हो, या आपके जॉइंट्स हैं जो आपको मदद करते हैं मुड़ने में. द कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉज मूवमेंट इन आर बॉडी. दिस बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स आर आर इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम. वी कैन ऑल्सो डू बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मेंटेनिंग पोस्चर, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट. आपको अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए पहले तो प्रॉपर डाइट लेनी है. दूध अच्छे से पीना है. इसके अलावा अगर आप एग खाते हैं तो एग लीजिए, वो अच्छा होता है. लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें. दूसरा, अच्छे से बैठो. देखो बिल्कुल सीधे होकर बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधे होकर, ऐसे झुक कर नहीं. देखो मैं भी झुक कर बैठी हूँ, पर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको सीधे बैठना चाहिए. ओके, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपके जॉइंट्स प्रॉपर वर्क करें. नाउ वी हैव कम्प्लीटेड विद दिस चैप्टर. आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कम्प्लीट हो चुका है. Now you can prepare for your exams. In the next class, we will discuss about the exercise as well as the question answers of this chapter. Till then, bye.